नमस्कार दोस्तों, यदि आप हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन कुल्लू और मनाली की यात्रा इस महीने कर रहे हैं या आगामी आने वाले किसी भी महीने में आप यहां की यात्रा कर रहे हैं तो आपके मन में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता होगा कि यहां पर आप लोकल साइट सीइंग किस किस माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने टूर पैकेज के वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ, जिसके अंदर साइट सीइंग बेहद सस्ते दामों पर इंक्लूड रहती है। पैकेज इतने सस्ते होते हैं कि उसमें से आप जो भी व्यूअर मेरा देख रहा है बेहद सस्ते दामों पर उसको बुक करवा सकता है। लेकिन आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिना किसी टूर पैकेज के जा रहे हैं या सोलो जा रहे हैं और उनको हिमाचल प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बस के द्वारा यात्रा करनी है, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ से बुकिंग होगी, कैसे बुकिंग होगी, सस्ते में रहेगी कि महंगे में रहने वाली है। और अगर आप लोग जानते ही नहीं हो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में, तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, यहां पर आप होटल बुकिंग, बस बुकिंग, ट्रैवल टेस्ट, प्रिविलेज कार्ड, इवेंट कुशन, फोटो गैलरी अवार्ड, स्क्रीन सेवर, फोटो कंटेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपको मैं इस चीज के बारे में जो आज बताने वाला हूं वो होने वाला है एक ऐसी बस सर्विस के बारे में जो आपको कुल्लू और मनाली के अटल टनल भी लेकर के जाएगी, सिस्सू भी लेकर के जाएगी और आसपास के उन सभी मनमोहक जगहों को घुमा करके लाएगी बेहद कम दामों पर। वो दाम क्या रहने वाले हैं आगे आपको वीडियो में पता लगने वाला है, लेकिन बहुत कम रेट पर आपको ये मिलने वाला है। दोस्तों, इसके साथ साथ वाईटी भारत पर दूसरे हिस्से में मैं आपको कुल्लू और मनाली के साथ साथ रोहतांग पास की विजिट का एक ऐसा टूर पैकेज बताऊंगा जो इस समय बेहद सस्ते दामों पर आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्से में आपको hptdc.in वेबसाइट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बस बुकिंग के सेक्शन में जाना है और बस बुकिंग के सेक्शन में जा करके यहां पर आपको सेलेक्ट करना है मनाली साइट सीइंग टूर। इसके बाद आपको जो साइट सीइंग प्लेस चाहिए वो मैं बताता हूँ, आपको सेलेक्ट करना है मनाली सोलांग, ढुंडली, अटल टनल साउथ पोर्टल, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल, स्नो पॉइंट सिस्सू, नेहरू कुंड, ये सब कुछ आपको घूमने को मिलेगा। इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप डेट को सेलेक्ट करिए, जैसे मैं यहाँ पे 14 जून सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप पास की डेट सेलेक्ट करोगे तो आपको वहां पर बस को सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। इसलिए आप जब भी आगामी समय में आप जा रहे हैं तो इसको पहले से ही एडवांस में बुक करवा लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मात्र 500 रुपये प्रति व्यक्ति के अंदर आपकी ये बस सर्विस बुक हो रही है। आपको टाइम क्या मिलने वाला है, आपकी 10 बजे की ये बस मिलने वाली है। मनाली के जो माल रोड है वहां पर आपको गवर्नमेंट बस स्टैंड मिलेगा, यहीं से बस आपको पिकअप करनी है। डेट यहां पर लिखी हुई है 88% ऑन टाइम ही रहती है। टोटल इसका राउंड टाइम जो है वो 8 घंटे का रहने वाला है। सुबह 10 बजे जाएगी और शाम को लगभग 6 बजे वापस आने वाली है। आपका पिकअप कहाँ से रहेगा, हिमाचल प्रदेश HPTDC के काउंटर से रहने वाला है जो माल रोड के गवर्नमेंट बस स्टैंड पर है, और आपका ड्रॉप भी वहीं पर रहने वाला है। कैंसिलेशन पॉलिसी दी है, नॉन एसी सीटर डिलक्स 2x1 की आपकी सीटिंग अरेंजमेंट रहने वाली है। यहाँ पर कैसे बुकिंग होगी, 16 सीट्स इसके अंदर लेफ्ट रह गई हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद आप देख लीजिए, ये जो बस है आपकी 16 सीटर होने वाली है, खास करके टेम्पो ट्रेवलर टाइप की होती है। यहाँ पर अभी ये सभी सोल्ड आउट दिखा रहा है, सभी सोल्ड यहाँ पर हो चुकी हैं। इसी तरह से जब आपकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी तो आप उस बस को कैसे बुक कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम वापस चलते हैं और डेट को चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट डे ट्रिप में जाते हैं जब वहाँ पर अवेलेबिलिटी मिल जाए। ये सोल्ड आउट चल रहा है दोस्तों, इस टाइम गर्मियों की छुट्टियाँ हैं और आपको मोस्ट ऑफ द डेट जो हैं वो सोल्ड आउट के करीब करीब मिलने वाली हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सेलेक्ट सीट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये सोल्ड आउट चल रही है। जब भी इसकी अवेलेबिलिटी होगी तो आपको यहाँ पर सीट को सेलेक्ट करना होगा जो भी आप चाहते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद पिकअप पॉइंट HRTC बस स्टैंड मनाली और ड्रॉपिंग पॉइंट आपका सेम HRTC बस स्टैंड मनाली आपको सेलेक्ट करना होगा। प्रोवाइड पैसेंजर डिटेल में जाना होगा और उसके बाद सीधे जा करके आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके आप पेमेंट को कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ये इस तरह की समस्याएं आती हैं, कई बार ये साइट कभी कभी वर्किंग नहीं करती है और भी तमाम तरीके की समस्याएं आते हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसी समस्या को देखते हुए हम लोग आपको बेहद सस्ता टूर पैकेज वाईटी भारत पर बताते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मैं जानकारी दे रहा था जो बेहद सस्ते दामों पर मात्र 500 रुपये प्रति व्यक्ति के अंदर अटल टनल घूमना चाहते हैं, सिस्सू कुंड घूमना चाहते हैं,
इसके साथ साथ अटल टनल के साथ साथ आप नेहरू कुंड भी जाना चाहते हैं और बीच के अन्य जगहों को भी घूमना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं इसलिए अवेलेबिलिटी कम मिल रही है, लेकिन जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां खत्म होंगी ये अवेलेबिलिटी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इस बस को बुक करके आप जा सकते हैं। अन्यथा अगर आप इसको वेबसाइट के माध्यम से नहीं बुक करवा पा रहे हैं तो जा करके आप HPTDC के काउंटर से जो मनाली के माल रोड पर गवर्नमेंट बस स्टैंड पर ही है वहां से डायरेक्ट बस की बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेम्पो ट्रैवलर मिलती है क्योंकि आराम से किसी भी रोड से निकल जाती है, जाम के सिचुएशन में फंसने की इसकी संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए टेम्पो ट्रैवलर खास करके चलाई जाती हैं। तो दोस्तों आप इसमें से बुक करवा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर HPTDC की अपनी बहुत सारी बस चलती हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप मनाली के माल रोड से मणिकरण जाना चाहते हैं मात्र 500 रुपये के अंदर तो कैसे बुक करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जब आपके रोहतांग पास के लिए बस स्टार्ट होगी उस बस के बारे में भी जानकारी आपको सबसे पहले YT भारत पर जरूर बताई जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में, जंप करते हैं और आपको कुल्लू मनाली विद रोहतांग पास का आपको जबरदस्त वीडियो में बताना शुरू करता हूं। आइए चलते हैं उस वीडियो को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है रोहतांग पास का स्पेशल टूर पैकेज आपका रहने वाला है 1 जून से लेकर के 30 जून 2024 के बीच में इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। इसमें आप मनाली कुल्लू कसोल मणिकरण रोहतांग पास सब कुछ आपका कवर किया जाएगा। एक रूम आपको मिलने वाला है, 4 नाइट 5 डेज का टूर पैकेज रहने वाला है। इसमें आपके 2 नाइट जो है वॉल्वो बस में बीतेंगी और 2 नाइट आपकी होटल में बीतने वाली हैं मनाली के। 200 डे सर्विस में आपको क्या क्या दिया जा रहा है। डे वन पर आप निकलेंगे सबसे पहले दिल्ली के मजनू का टीला या आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन से आप वॉल्वो बस को पिकअप करेंगे। वॉल्वो बस को पिकअप करने के बाद सीधे आप पहुंचेंगे लगभग 550 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अगले दिन सीधे आप मनाली पहुंचेंगे। मनाली पहुंचने के बाद आप पहुंचेंगे होटल में और चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद आपका हाफ डे का लोकल साइट सींग स्टार्ट हो जाएगा जिसमें क्लब हाउस, वन विहार, तिब्बतन मॉनेस्ट्री, तिब्बतन टेम्पल, इन सभी जगहों पर आप जाएंगे। अगर मैं बात करूं क्लब हाउस की, जहां पर इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी दोनों आपको करने को मिल जाएंगी, ये चार्जेबल बेसिस पर होता है। यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग भी आप कर सकते हैं और बहुत मनमोहक गेम्स हैं जिनको आप प्ले कर सकते हैं। डे 3 आपका स्पेशल रहने वाला है, एडवेंचरस रहने वाला है। इस दिन आप जाएंगे मनाली से रोहतांग पास और वापस आने वाले हैं मनाली। 200 डे सर्विस में ब्रेकफास्ट भी रहने वाला है, डिनर भी रहने वाला है रोहतांग पास। इस दिन आप घूमने वाले हैं रोहतांग पास के रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, गुलाबा, रहाला, अटल टनल, उसके साथ साथ सिस्सू भी आपको देखने को मिल जाएगा, लाहौल स्पीति की बेल्ट की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जैसे कोठी हो गया, मरही हो गया, ये सब कुछ आपको रास्ते में देखने को मिल जाएगा। ऐसे ऐसे स्नो पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि आपका मंत्रमुग्ध आप एकदम हो जाएंगे और आपका आने का मन नहीं करेगा। पूरे दिन का ये ट्रिप होने वाला है, वापस लौटेंगे आप होटल में लगभग 5 से 6 से 7 बजे के बीच में, उसके बाद डिनर करेंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे मनाली के अपने होटल के अंदर। डे 4 मनाली का फुल डे का ट्रिप होने वाला है, कुल्लू का और मणिकरण का, और वापस आपकी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगी वॉल्वो बस के द्वारा दिल्ली की। इस दिन डे सर्विस में आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है और साइट सींग के लिए कार मिल रही है और ड्रॉप आपको किया जा रहा है वॉल्वो बस स्टैंड तक जो कुल्लू के अंदर रहने वाला है। सुबह दोस्तों ब्रेकफास्ट करिए, सामान को पैक कर दीजिए, गाड़ी में रखवाइए, 9 बजे निकल जाइए सीधे कुल्लू से होते हुए मणिकरण के लिए। रास्ते में आप कुल्लू जो एडवेंचर कैपिटल के नाम से जानी जाती है यहाँ पर व्हाइट रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, हॉट एयर बैलून भी कर सकते हैं, रिवर क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राइवर से बात कर लीजिएगा टाइम अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद सीधे मणिकरण जाइए, बाबा जी के दर्शन करिए, भगवान शिव के दर्शन करिए, दुनिया के सबसे हॉटेस्ट सल्फरिंग स्प्रिंग वाटर पूल में स्नान कर सकते हैं। ऐसा गर्मियां चल रही हैं आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ की आसपास की ब्यूटी को निहारते हुए। कसोल के आउटर से होते हुए आपको सीधे ड्रॉप कर दिया जाएगा वॉल्वो बस स्टैंड पर, वॉल्वो बस को कैच करिए, डे 5 पर आप सुबह पहुंच जाएंगे मजनू का टीला पर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सुंदर मेमोरीज के साथ आपका ट्रिप कंप्लीट हो रहा है। सिल्वर मनाली टूर पैकेज कॉस्ट है मात्र 17,999 रुपये 2 लोगों के लिए। होटल मिल रहे हैं क्लिफ हेमन कॉटेज, होटल त्रिशूल कृष्णा कॉटेज, अतिथि कॉटेज या इससे सिमिलर, गोल्डन के अंदर 19,999 दो लोगों के लिए होटल है। द मनाली लॉज, व्हाइट माउंटेन, निर्वाणा प्रीमियम समर विला, मन्नत कॉटेज, रोटल राजंस, नसुकी हिल्स होटल, आयुष्मान होटल या इससे सिमिलर, डिपेंड करता है एज पर द अवेलेबिलिटी। दोस्तों होटल की फ्लीट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जितनी YT भारत के पास होटल की फ्लीट है आप पूरी इंडिया में सर्च कर लीजिए, मनाली के अंदर YT भारत से ज़्यादा होटल के ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। जो सर्विस आपको यहाँ पर गारंटीड मिलती है वो कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। यही सेम पैकेज आप जून के अंदर बुक खुद करवा करके देख लीजिए,
सेम सर्विस, सेम होटल, सेम बस, सेम सारी सर्विस जो मैं आपको 17,999 के अंदर दे रहा हूँ, ये आपको कम से कम 20,000 रुपये की पड़ने वाली है जब आप खुद इस सर्विस को बुक करवाएंगे। इसलिए पैकेज बुक करवाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए, सारी जिम्मेदारी रहेगी ट्रैवल कंपनी की। आपको सिर्फ बैग को पैक करके आना है, कुल्लू और मनाली को घूमना है। इसके बाद तीसरा पैकेज है डायमंड मनाली टूर पैकेज, 21,999 रुपये, दो लोगों की कॉस्ट रहने वाली है। जितने ज़्यादा लोग आपके साथ ग्रुप में सफ़र करेंगे उतनी ही कॉस्ट कम आ जाएगी। आप दो लोग हों, आप 2,000 लोग हों, आप 2,00,000 लोग हों, ये ट्रैवल कंपनी कैटर करती है कितने भी नंबर ऑफ पर्सन को। आप ग्रुप में भी सफ़र कर सकते हैं और ग्रुप में अगर आप सफ़र करेंगे तो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, लेकिन रेट होगा बेहद कम। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं और बोलता भी हूं, समझाता भी हूं, भैया ग्रुप में सफ़र करिए। प्लेटिनम मनाली टूर पैकेज 23,999 रुपये दो लोगों के लिए। होटल है माउंटेन ग्रीन विला, होटल माउंटेन क्रेस्ट, बोध इंटरनेशनल, व्यास वाटिका मनाली, मनाली हेवन, पार्कर प्लाजा, राइडा विला, होटल सनराइज विला, सनफ्लावर विला, तारा कॉटेज, टेंगल वुड मनाली, मनाली व्यू रिजॉर्ट, हयात रिजेंसी या इससे सिमिलर। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे मनाली की हर एक ब्यूटीफुल लोकेशन पर ये ट्रेवल कंपनी आपको होटल ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, मीट एंड ग्रीट ऑन अराइवल, टिकट मिलेगी वॉल्वो बस की सेमी स्लीपर पुशबैक सीट के साथ, बहुत ही आरामदायक रहती है, लगता है आपका रोड पर चलता हुआ हवाई जहाज है ऐसी आपको फील होती है। 500 ml की दो वाटर बॉटल मिलेंगी दो लोगों के लिए। इसके साथ साथ वोमिटिंग पाउच मिलने वाला है, ब्लैंकेट ऑन डिमांड मिलने वाला है, वैसे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, ब्लैंकेट की इस टाइम रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। किरतपुर 4 lane ओपन हो चुका है, वहीं से ये बस जाएगी, बहुत मनमोहक सफर आपका रहने वाला है। पिकअप एंड ड्रॉप मिलने वाला है वॉल्वो बस स्टैंड से होटल तक के लिए। 2 night एकोमोडेशन डिलक्स रूम में, 2 breakfast, 2 dinner, 1 half day की लोकल साइट सिंग इंडिविजुअल ऑल्टो कार से, 1 full day की साइट सिंग कुल्लू मरीनकरण की ऑल्टो कार से, 1 full day की साइट सिंग रोहतांग पास की ऑल्टो कार से आपकी रहने वाली है। होटल में डिस्कोथीक है तो फ्री एंट्री मिलेगी, हॉट कोल्ड वाटर, डॉक्टर ऑन कॉल 10% डिस्काउंट इन लॉन्ड्री पर, 2 seat प्रोवाइडेड इन वॉल्वो। एडवांस बुकिंग कराने के लिए 30% आपको पेमेंट करनी होगी। दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी, और अगर आप कुल्लू और मनाली विद रोहतांग पास का टूर पैकेज बुक करवाना चाहते हैं तो आप YT भारत पर, जहाँ पर आपको 5.5 सालों से ज़्यादा से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहद सस्ते दामों पर पैकेज लेकर के आते हैं, ट्राई होता है, टेस्टेड होता है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है, दिल्ली NCR की ट्रैवल कंपनी है, लेकिन वहाँ पर सर्विस आपको लोकल ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा ही प्रोवाइड करी जाती है। हमारे ऑपरेटर हर जगह तैनात हैं, बेस्ट सर्विस आपको मिलने वाली है। चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 500 रुपये में कैसे आप मनाली से मणिकरण की सवारी कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बस में बैठ करके। इसके साथ साथ आगे आपको बताऊँगा कैसे आप रोहतांग पास लगभग 600 रुपये में कैसे आप सफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बस के अंदर बैठ करके। ये सारी जानकारियां आगे आगामी वीडियो में आपको दी जाएगी, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करोगे यार तभी तो पता चलेगा ना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ऑल को सेलेक्ट कर देना। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।